प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। खराब मौसम से चार धाम यात्रा में भी खलल पड़ रहा है। बद्रीनाथ हाईवे में भारी बारिश से खचड़ा नाला में बंद हो गया है, जिस कारण करीब 4000 यात्री जोशीमठ, गोविंद घाट, पांडुकेश्वर और 2500 यात्री बद्रीनाथ में रोके गए हैं। उधर सोन प्रयागराज से सुबह 8 बजे तक 100 यात्री केदारनाथ के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन फिर बारिश के कारण यात्रियों को सोन प्रयाग में रोका गया है। वहीं जोशीमठ में फूलों की घाटी में भारी बारिश के चलते जगह जगह पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। शनिवार को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन की ओर से किसी भी पर्यटक को घाटी में प्रवेश नहीं करने दिया गया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने दून समेत प्रदेश के 5 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक रविवार को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज बौछार के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसी तरह मैदान से लेकर पर्वतीय जिलों में भी कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की हल्की बारिश भी होगी। फूलों की घाटी मुख्य पड़ाव घांघरिया से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शुक्रवार रात को हुई तेज बारिश से फूलों की घाटी का पैदल ट्रैक द्वारीपेरा और ग्लेशियर पॉइंट के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। वन क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि भारी बारिश के कारण घाटी को जाने वाला रास्ता टूट गया है। पर्यटकों को फिलहाल घाटी में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। मौसम सामान्य होने के बाद रास्ते का सुधारीकरण कार्य किया जाएगा। प्रदेश में 2 दिन से हो रही बारिश के चलते कई गाद गदेड़े उफान पर आ गए हैं। नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। पहाड़ियों से मलबा और बोल्डर गिरने से 3 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 225 सड़कें बंद हो गई हैं। इनमें से मात्र 46 सड़कों को ही खोला जा सका है।